जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है, आप जाइए मेल में से बैठिए। 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर के हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पूरी स्पीच के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट पर रखा, जबकि उन पर टारगेट करने वालों में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल थे। कितना हुआ? मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। पब्लिक गारंटी है, लेकिन ऑनेस्ट वॉशिंग मशीन में कैसा क्लीन हो गया देखिए बीजेपी का साथ आने के बाद। पर पीएम मोदी का फोकस कहीं और नहीं था। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी, यहां तक राजीव गांधी की भी चर्चा की। मोदी की कोशिश ये साबित करने पर रही कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के लिए परजीवी की तरह है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान एक बार कहा कि अब जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरह अपने भाषण में कई बार पीएम पर पर्सनल अटैक किया, उसका जवाब पीएम मोदी ने भी उससे भी कड़े अंदाज में दिया। अब तक राहुल गांधी के विरोधी उन्हें पप्पू कहकर संबोधित करते रहे हैं, पर पीएम ने अपनी स्पीच के दौरान नाम लिए बिना कई बार उनका बालक बुद्धि कहकर मजाक उड़ाया। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं। राहुल गांधी सोमवार को जब संसद में बोल रहे थे उन्हें किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, जबकि कई बार उन्होंने राजनीतिक गरिमा की सीमा को लांग दिया था। बीजेपी के पास पर्याप्त कारण थे कि वो हल्ला करके राहुल गांधी के भाषण को नहीं होने देती। बीच बीच में कई मंत्रियों ने बहुत शालीनता से अपनी बात रखी। पीएम मोदी भी दो बार उठे और अपनी बात रखी। इसके विपरीत मंगलवार को पीएम मोदी जब बोलने के लिए उठे तो उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार नारेबाजी और शोर करती रही। जाहिर है कि इसे राहुल गांधी रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहरहाल राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक और अखिलेश ममता बनर्जी पर चुप्पी बहुत कुछ इशारा कर रही है।